साथियों आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा आपकी 12 जून 2022 को होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं यह पीसीएस मंत्रा जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसमें से टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर देख रहे हैं। इसके टेस्ट नंबर 2 के 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है 76 नंबर का, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, उसकी अनुमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल भारत की संचित निधि से अग्रिम ले सकता है, भारत की संचित निधि से नहीं बल्कि राज्य की संचित निधि से ले सकता है, इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, ये भी कथन गलत है। तीसरा, एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल एक राज्य होता है, ये भी गलत है। तीनों के तीनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन कोई कथन सही नहीं है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार नहीं कर सकता बल्कि संसद कर सकती है, और वहीं एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक हो सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर, राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, राज्यपाल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, नहीं 123 के तहत नहीं बल्कि 213 के तहत, यह राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पर राज्यपाल की यह शक्ति राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों तक विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, कुछ विषयों से संबंधित अध्यादेश हेतु राष्ट्र की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है, तो ये भी कथन आपका सही है। अगला है, राज्यपाल अध्यादेश की 42 दिन पश्चात ही वापस ले सकता है, राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन पश्चात ही वापस ले सकता है, तो ये गलत है, कभी भी वापस ले सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो पहला और चौथा कथन जो है वो सही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपकर पद छोड़ सकता है? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देकर के। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानमंडल में इनमें से किस विषय या विषयों पर चर्चा करने का निर्बंधन है, मतलब रोक है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण पर, इस पर चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन से जुड़े आचरण पर, तो इस पर भी नहीं होगी। और वहीं राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया पर, इस पर हो सकती है। तो पहला और दूसरा आपका सही है, पहला दूसरा आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी, इसकी सिफारिश 1977 में की थी और अपनी रिपोर्ट जो है 1978 में प्रस्तुत की थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय है, इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया है, 243 के तहत किया गया है, ठीक है। दूसरा, पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, सही है। ग्राम प्रधान को निर्वाचन या का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है, तो इसमें सत्य बताना है, तो दूसरा तीसरा सही है, गलत पहला गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए, आधिकारिक संरचना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा, आधिकारिक संरचना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल दी जा सकती है। तीसरा, आधिकारिक संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये सही है। वहीं डी, आधिकारिक संरचना में संशोधन को उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराती है, ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना इनका काम है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना इनका काम है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना इनका काम है, परंतु परिसीमन आयोग का गठन करना जो है ये केंद्र सरकार का काम है। और अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, 1952 में, फिर 1963 में, 1973 में, 1973 में और 2002 में। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला है,
राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ठीक है, वन आर्टिकल 156 वन के तहत। आगे चलते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, नहीं, राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम संबोधित होती हैं या संबंधित होती हैं? नहीं, राज्यपाल के नाम से होती हैं। वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है? नहीं, यदि विधान परिषद है तो वह विधान परिषद या विधानसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, तो यह भी गलत है। वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है? तो देखिए, नागालैंड में है, मेघालय में है, नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, और कहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड, और आपका मिजोरम में नहीं है, ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में है। तो 1, 2, 4, तो देखिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, लागू होती है। दिल्ली को भी राष्ट्रपति के निर्देशन पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति जो होती है, इसमें निम्न से कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता है? तो इसमें राज्यसभा का जो सभापति होता है वो शामिल नहीं होता है, जबकि इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, गृहमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा अध्यक्ष, ये इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा का उपसभापति, ना कि सभापति। आगे चलते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं एवं उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये सही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 ये सही है, परंतु प्रवर्तन निदेशालय 2002 का नहीं बल्कि 1956 का, 1956 का है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, 323(1) के अनुसार। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? बी एस रमा देवी थी। इनकी नियुक्ति 26 नवंबर 1990 को हुई थी और ये अपने पद पर जो है 11 दिसंबर 1990 तक थी, मतलब करीब करीब कह सकते हैं एक महीने भी नहीं थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को दल बदल निरोधक अधिनियम को अधिनियमित किया गया? तो 15 फरवरी 1985 को, और इस अधिनियम को 1 मार्च 1985 को जो है लागू किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, संविधान का 52वां संविधान संबंधित है या संशोधन संबंधित है किससे? तो दल बदल से संबंधित है, जिसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 96 नंबर क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो संविधान के अनुसार कितनी अवधि के अंदर पुनः निर्वाचन करवाया जाना चाहिए? 6 माह के अंदर अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए, आर्टिकल 243(3)(b) के अनुसार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनउपयोगी सेवाएं, स्वच्छता, परंतु लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये राज्य कह सकते हैं राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, ना कि स्थानीय। पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। आगे चलते हैं, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, भारत में पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 के दिन लागू किया गया था, इसी दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। दो सूचियां दी गई हैं, यहाँ इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय समिति थी, तो 2 से मिला दीजिए। अशोक मेहता द्विस्तरीय, 1 से मिला दीजिए। एल एम सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति, 4 से मिला दीजिए। और जी वी के राव प्रतिनिधित्व तरीके में सुधार, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1773 के विनियमन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 6 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई, नहीं 6 सदस्यों की नहीं बल्कि 4 सदस्यों की, तो ये गलत हो गया। इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया, ये आपका कथन सही है। तो पहला गलत है,
दूसरा सही है। तीसरा, इसने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया। तो तीसरा भी सही है। तो पहला छोड़कर दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के राज्यपाल को बंगाल गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और लॉर्ड वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो यह है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1857 की क्रांति के बाद या विद्रोह के बाद आता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जब अनुबंधित सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए खोल दिया गया था? तो इस समय कौन थे? इस समय लॉर्ड डलहौजी था। 1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा की सेवा को भारतीयों के लिए खोल दिया गया। आगे चलते हैं, अधिनियमों और संबंधित विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या हैं? तो देखिए, पहला, 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया? सही है। 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा यहाँ पर सही है, ठीक है। तीसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत करती है? नहीं। इसमें क्या होता है, इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा तथा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। और इसी अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जबकि चौथा देखें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी? नहीं। इसने दोहरी सरकार की एक प्रणाली की स्थापना की। इसने राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। तो इस प्रकार से पहला दूसरा सही, परंतु तीसरा चौथा गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय का है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड डफरिन के समय का नहीं बल्कि लॉर्ड लैंस डाउन के समय का है, तो बी वाला सही नहीं है। जबकि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो के समय का है, भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड बिलिंगटन के समय का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 106 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के सरकारी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, और इसे बताना कौन सा सही है, इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, सही बात है। इसने द्वैत शासन को समाप्त किया, ये भी इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया, ये केंद्र में द्वैत शासन कर दिया गया। इसने 11 में से 8 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की, नहीं 8 नहीं बल्कि 6 प्रांतों में, तो तीसरा वाला गलत हो गया। इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया, तो ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा सी ऑप्शन, तीसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं, अंतरिम सरकार 1946 में रखे गए सदस्यों और विभागों के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, सदस्य और उनके धारित पोर्टफोलियो का? तो देखिए, सरदार बलदेव सिंह रक्षा सही है, अब्दुल रबा निस्तार पोस्ट और एयर ये भी सही है, द्वितीय चूड़ीगर वाणिज्य से संबंधित, जबकि स्वास्थ्य कौन संबंधित है, गजनफर अली खान, ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। C.H. भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर ये सही है। आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, इसने भारत के राज सचिव के पद को समाप्त कर दिया, इसने सही बात है ये, ब्रिटिश सम्राट अब ना तो बिल मांग सकते थे और ना ही उन्हें वीटो कर सकते थे, ये भी सही है। डोमिनियन के गवर्नर जनरल को परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बनाया गया था, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश सम्राट जो है अब ना तो बिल मांग सकते ना ही उन्हें वीटो कर सकते, हालांकि यह गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित था। तो यहां पर डी वाला जो है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं, कौन सा गलत है, इसमें से कोई सा गलत नहीं है, सभी सही है। स्वतंत्र भारत या 1947 की पहली कैबिनेट में निम्नलिखित में से किसने स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व किया था? तो स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व जो है राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, जबकि बी एन गाडगिल ने वर्क्स माइंस एवं पावर का।
और आर के षणमुगम चट्टी ने वित्त विभाग का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है ये बताना हमको। तो देखिए एक सेकेंड, पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या आएगा, द्विसदनवाद और प्रत्यक्ष चुनाव सही है। दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, ये 1919 है, 1909 में वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों का संघ सही है। तीसरा 1853 का चार्टर अधिनियम केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों सुमेलित हैं, यहाँ पर आपके तीनों सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय ने दिया था, संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय ने दिया था, सही है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की संविधान को बाहरी हस्तक्षेप के बिना तैयार किया जाना चाहिए, ये घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे चलते हैं, संविधान सभा की मांग को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था 1940 के अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव में। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने। संविधान सभा पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के लिए के तहत संविधान सभा गठन के लिए चुनाव हुए, सही बात है। इस सभा के सदस्य सीधे चुने गए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिशत के एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो यहाँ पर पहला सही दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे, सही बात है। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तीसरा हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, सही है। M.N. राय संवैधानिक सलाहकार थे, नहीं, यहाँ नाम में कन्फ्यूजन होता है, M.N. राय B.N. राय में हम केवल राव पे ही ध्यान देते हैं, तो ये B.N. राय थे, B.N. राव थे, ना कि M.N. राय। तो यहाँ पर कौन सही नहीं है, यहाँ पर चौथा सही नहीं है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, उद्देश्य संकल्प पर निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, इसे 11 उद्देश्य संकल्प या प्रस्तावना कह सकते हैं, इसे 11 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो ये आपका जो है 11 दिसंबर नहीं बल्कि 13 दिसंबर था, ठीक है, तो इसलिए सही नहीं है। दूसरा संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प पर आधारित है, ये भी सही है, ये आपका सही है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। आगे चलते हैं, संविधान सभा में स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया गया है, भारत संविधान सभा में स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया गया है। तो देखिए, सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बना दिया गया, सही बात है। विधानसभा एक विधायी निकाय बन गई, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पर मिलान कीजिए, निम्नलिखित का हमें मिलान करना है, अध्यक्ष का समितियों से हमें मिलान करना है। यहाँ देखिए नाम थोड़े से यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला है जे बी कृपलानी जो हैं ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि ए बी ठक्कर जो हैं ये दूसरे में, ए बी ठक्कर हैं ये बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र अर्थात असम के अलावा उप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि यहाँ पर जो हैं एस वरदाचारी ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति के संबंध में रहे, और यहाँ पर हैं उषानाथ सेन ये प्रेस दीर्घा समिति से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो है आपका पहला वाला ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं रहा है, कौन इसका सदस्य नहीं रहा है, तो देखिए इसमें एस वरदाचारी नहीं शामिल थे, इसमें अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इसके अतिरिक्त इसमें N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, बाद में इनकी जगह पे B.L. मित्तल, इन्होंने पहले बी एल मित्तल की जगह जो है N. माधव राव आते हैं, क्योंकि B.L. मित्तल की तबीयत खराब थी, जबकि पहले D.P. खेतान थे, उनकी जगह पे T.T. कृष्णमाचारी आते हैं, क्योंकि D.P. खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है।
सर वी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। एच वी आर अयंगर संविधान सभा के सचिव थे, ये भी कथन आपका सही है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण की सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा की गई थी, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सबके सब यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, सही बात है। इसमें मूल रूप से एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने से पहले लागू की गई थी, नहीं, प्रस्तावना संविधान लागू होने के बाद लागू की गई थी। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, सही बात है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया, ये भी सही है। प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन निरस्त नहीं किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से संविधान की मुख्य विशेषताएँ हैं? देखिए, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, सही बात है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है इसमें। एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय व्यवस्था है, सही है। न्यायिक सर्वोच्चता, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी, सही है, ठीक है। पहला कथन सही है। दूसरा, वर्तमान में इसमें 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, नहीं, इसमें गलती यह है कि यहां पर 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल नागरिकता, ये भी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी है, द्विस्तरीय सरकार, नहीं, त्रिस्तरीय सरकार है। तो डी वाला सही नहीं है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 8 को हटा दिया गया था, पहले के द्वारा नहीं, दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4A और भाग 14A को जोड़ा गया था, तो 44वें के द्वारा नहीं बल्कि 42वें के द्वारा जोड़ा गया था। अगला, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9A जोड़ा गया, ये आपका सही है। वहीं 75वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9B जोड़ा गया, तो नहीं, 75वें द्वारा नहीं, 97वें द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सा या से अंतर सही है? तो देखिए, संसदीय रूप में जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, सही बात है। संसदीय रूप में निचले सदन को कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति निचले सदन को भंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का गुण नहीं है? तो इसमें अधिकारों का विभाजन, स्थिरता, विशेषज्ञ सरकार, ये सही है। पर दलीय व्यवस्था का अधिक प्रभाव जो है ये संसदीय सरकार में होता है, न कि आपका राष्ट्रपति शासन प्रणाली में। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय सरकार के गुण हैं? कौन से गुण हैं? कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक बेहतर समन्वय, सही है। यह सत्तावाद को बढ़ावा देता है, नहीं। सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल शब्द या कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो देखिए, समाजवादी मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में इसको बदल दिया गया और राष्ट्र की एकता की जगह पे राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। अगला है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें। संप्रभु भारत ना तो एक निर्भरता भारत ना तो एक निर्भर और न ही किसी अन्य राष्ट्र का इस पर प्रभुत्व है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य, सही बात है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? भारत के लोगों के हाथों में सर्वोच्च शक्ति का अधिकार है, ये भी सही है। गणतंत्र मतलब भारत का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णित करता है? तो ये किया गया किसके द्वारा?
के एम मुंशी के द्वारा। ये मसौदा संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है? तो देखिए, इसमें बेरुवारी संघ मामला 1960 का, केशवंत भारती केस 1973 का, एल आई सी ऑफ इंडिया केस 1995 का, ये सभी के सभी जो हैं प्रस्तावना से संबंधित हैं। बेरुवारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधानों के पीछे समान उद्देश्यों को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बेरुवारी यूनियन केस में, जबकि केशवंत भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती केस 1973 में, इस शर्त के साथ कि मूल विशेषता में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। अब तक कितनी बार संविधान की प्रस्तावना संशोधन किया गया है? केवल एक बार किया गया है, ठीक है, एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है जिसका संविधान आधारित है, सही है। दूसरा, यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है, यह भी सही है। तीसरा, यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, यह भी सही है। यहाँ पे तीनों सही हैं, डी ऑप्शन 1, 2, 3। आगे चलते हैं। उधार ली गई विशेषताओं और संबंधित स्रोतों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो उधार लगी सुविधाएं और स्रोत, तो आपातकालीन प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है बल्कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति सिद्धांत ये आपका आयरिश संविधान सही है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार बीमर संविधान से लिया गया है, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के का जो है ये कनाडाई संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीकी संविधान से उधार नहीं ली गई है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि जापानी संविधान से उधार ली गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जापानी संविधान से ली गई है? कौन सी ली गई है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है, उधार ली गई सुविधाएं और स्रोत क्या है? तो देखिए, इसमें देखेंगे मौलिक कर्तव्य जो हैं सोवियत संविधान से, डी मिला दीजिए। व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, सी से मिला दीजिए। डीपीएसपी आयरिश संविधान, बी से। कानून का शासन अमेरिकी संविधान, ए से। तो इस प्रकार से आपका 1 का D, 2 का C, 3 का B, 4 का A हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। संविधान के कुछ हिस्सों और संबंधित विषय वस्तु के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, आपका इसमें भाग दस जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र सही है। भाग बारह वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट सही है। भाग आपका 6 राज्य सरकार, ये भी सही है। भाग आपका 14A राज्य संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये जो है इसके तहत एक न्यायाधिकरण की बात की गई है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो चुनाव का प्रावधान जो है आपका भाग 15 में किया गया है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329A के मध्य तक। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची और संबंधित विषय वस्तु सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो देखिए,
आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान। छठी अनुसूची परिलब्धियों भत्तों विशेषाधिकारों संबंधित प्रावधान नहीं, छठी जो है इससे संबंधित नहीं है, जबकि परिलब्धियों भत्तों विशेषाधिकारों संबंधित जो है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है। और छठी क्या है, इसमें असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है भारत की अनुसूची, भारत की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए नौवीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, सही है। दसवीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही है। ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संशोधन 1952 द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही है। और पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। चौथा 12वीं अनुसूची में 74वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, ये यहाँ पर सही नहीं है। एक सेकेंड, 145 में पूछा है, 145 नंबर पूछा है कौन सा सही है जोड़ा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पहला इसमें जो है, एक सेकेंड फिर से थोड़ा देख लेते हैं। नौवीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, सही है। दसवीं अनुसूची को 92वें संशोधन 1989 द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत है। तीसरा ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ये सही है। और 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, ये भी सही है। तो दूसरा छोड़ करके पहला तीसरा चौथा सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के लिए सिफारिश की, सही है। वर्मा समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के असूत की पहचान की, ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। आगे चलते हैं निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में संशोधन किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित राज्यों या संघ राज क्षेत्रों को उनके पुनर्गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें आपका कौन सा आएगा, इसमें सबसे पहले दादरा और नगर हवेली आएगा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा भारत को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया। इसके बाद आएगा पुंडुचेरी आएगा, ये जो है आपका 1954 में फ्रेंच ने इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया। फिर आपका आएगा नागालैंड, 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। फिर आएगा आपका सिक्किम, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो 1423 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 द्वारा दी गई हैं। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाएं, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटाएं, किसी भी राज्य की सीमाएं बदलें, ऊपर के सभी अधिकार दिए गए हैं, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो देखिए इसमें धार आयोग, फजल अली समिति, JBP समिति, ये सभी के सभी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किया और दो वीडियो के तहत पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।